हमारे जितने भी लोग हैं सबके मन में बहुत जिज्ञासा रहती है कि हमारे जो शास्त्र है वो कलयुग के बारे में क्या कहते हैं। मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि मेरे को एक मेरे अंग्रेज हिस्टोरियन मिला था ऑक्सफोर्ड से, और उसको मैंने बताया है कि महाभारत का वार जो युद्ध हुआ था वो 3139 BC में हुआ था। तो कहने लगा कि इसका मतलब वो इजिप्शियन से पहले था। तो मैंने कहा इजिप्शियन तो बहुत पहले था इस सिविलाइजेशन से, मैं तो बात कर रहा हूँ 5200 साल पहले की। तो अब आप कहेंगे ये कैसे निकाले गए, तो इसकी मैं आपको प्रमाणिकता देता हूँ कि किस तरह से हमने मैंने ये प्रमाण इसमें लगा डाले हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि कलयुग 3102 BC में स्टार्ट हुआ। तो कलयुग कैसे हमें पता कि 3102 में स्टार्ट हुआ, तो आर्यभट्ट ने इसके बारे में लिखा है कि वो जब 23 साल का था उसने आर्यभट्टिया लिखी थी, वो 495 में लिखी थी कि मैं 23 साल का हूँ और 3600 साल गुजर गए हैं कलयुग के, ये उसने उसमें एक श्लोक में लिखा है आर्यभट्टिया के श्लोक में। तो अगर उसमें से कैलकुलेट करें तो 3102 BC आता है, तो 5150 साल के करीब पहले कलयुग शुरू हुआ। तो क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि कलयुग शुरू हुआ था आज से 5100 साल पहले, 3102 BC में कलयुग शुरू हुआ है, जब कृष्णा जो हैं इस धरती से चले गए थे तब कलयुग शुरू हुआ है, और पहले राजा जो थे कलयुग के वो महाराज परीक्षित थे जो कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बेटे थे। तो ये सारा मैंने इसमें डिटेल में बताया है कि कलयुग की कैलकुलेशन हमने कैसे की हुई है, आर्यभट्ट ने उसकी कैलकुलेशन दी हुई है, आर्यभट्टिया भी मैंने इसमें कोट किया है, और आर्यभट्टिया के अंदर एक बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है, वो पाई का है, ही वॉज फर्स्ट मैन टू डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ पाई एंड इन मल्टीपल, मेरे ख्याल 23 उसके उस तक उसने डिस्क्राइब किया है। तो इसमें एक कटप्पे आदि सिस्टम भी मैंने बताया है जिसके अंदर की एक श्लोक लिखा हुआ है और हर एक लेटर का एक वैल्यू दिया गया है, और उस वैल्यू के हिसाब से आप पाई की वैल्यू इसमें निकालते हैं। तो इसमें पाई की वैल्यू आती है, जैसे ये गोपी भाग्य श्लोक है, उसके हिसाब से पाई की वैल्यू इतनी बड़ी डिटेल में बताई जाती है। तो इस तरह से ये किताब जो है मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि बड़ी सरल भाषा में लिखी है, सरल हिंदी है, इसमें संस्कृत आने की ज़रूरत नहीं है, और ये ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया दी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों।